बैंकॉक से खबर शामिल करते हैं जहां पर दुनिया में किसी मुजरिम को अब तक ज्यादा से ज्यादा कितनी कैद की सजा हुई होगी। आपको ये सुनकर सख्त हैरत होगी कि चंद दहाइयां कबल तेल के कारोबार में सरमायाकारी का झांसा देकर मुख्तलिफ ममालिक के लोगों से करोड़ों डॉलर की रकम लूटने वाली थाईलैंड की शहरी खातून को 1,41,708 साल कैद की सजा सुना दी गई थी। News18.com के मुताबिक इस खातून का नाम शिमोयथे प्यासो है, जिसने एक चेक फंड स्कीम के जरिए लोगों को लूटा। उसने अपने फंड का नाम माइचमोय फंड रखा। ये फंड बजाहिर एक ऐसी कंपनी था जो तेल के शेयर्स में सरमायाकारी के एवज भारी मुनाफा देती थी। मुख्तलिफ ममालिक के 16,000 से ज्यादा लोगों ने इस फर्जी कंपनी में सरमायाकारी कर डाली और खातून रकम हड़प कर गई। मुबैना तौर पर खातून ने इन लोगों से मजमूई तौर पर 20 करोड़ से 30 करोड़ डॉलर की रकम हथियाई। रिपोर्ट के मुताबिक शिमोय थाईलैंड की हुकूमती ऑयल कंपनी में मुलाजमत करती थी। जब उसने ये फ्रॉड किया, उसने रॉयल थाई एयरफोर्स में अपने अच्छे ताल्लुकात को बरोवकार लाते हुए बज़ाहिर एक कानूनी कंपनी बनाई थी। हताके उसने थाईलैंड के शाही खानदान के अफराद और आला फौजी अफसरान को भी इस कंपनी में सरमायाकारी पर कायल कर लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक शिमोय को यह हैरान कन सजा 1980 की दहाई में सुनाई गई थी, ताहम वो सिर्फ 8 साल ही जेल में रही और फिर रिहा हो गई, क्योंकि इस वक्त थाईलैंड के कानून फ्रॉड के मुजरिम की ज्यादा से ज्यादा सजा 20 साल थी। चनाचा शिमोय एक दहाई से भी कम अरसा जेल में रही और आजाद हो गई।